हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा कंप्यूटर्स और मैं हूं हर्षाई चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में एडमिशन कैसे लें, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इनके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, सीट्स क्या रहेंगी, ट्यूशन फीस क्या होगी और कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करें। तो दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स आर्मी व डीएससी में सर्विस कर रहे हैं या रिटायरमेंट हो चुके हैं, वो कैंडिडेट्स इस कॉलेज में एडमिशन के लिए इलिजिबल हैं। वार विडो भी इसके लिए इलिजिबल हैं। इसमें एडमिशन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है और ये नीट की मेरिट के अनुसार ही होता है। नीट के अलावा आईपीयू का फॉर्म अलग से भरा जाता है जो फरवरी 2019 में भरा जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा हम आप तक इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो दोस्तों, अभी देखते हैं हम इसमें सीट्स कितने हैं। तो इसमें ऑल इंडिया एससी कैटेगरी की 2 सीट हैं, ऑल इंडिया एसटी कैटेगरी की 1 सीट है, आर्मी कैटेगरी की 78 सीट है, आर्मी डिफेंस की 4 सीट है, डीएससी की 13 सीट्स हैं और डीएससी डिफेंस की 1 सीट है। ऐसे करके टोटल 100 सीट्स के लिए एडमिशन होता है। अभी हम देखें इसकी फीस क्या होगी। तो इसकी फीस 360,000 पर एनम है। फीस थोड़ी ज़्यादा है इसकी। यूनिवर्सिटी शेयर 15,000 है, सिक्योरिटी मनी 15,000 है और स्टूडेंट एक्टिविटी फीस 1,000 है। टोटल 391,000 फीस है इसकी। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। अभी हम बात करें इसके कट ऑफ की। तो इसकी कट ऑफ 505 मार्क्स से आसपास रहने की संभावना है, क्योंकि 2017 में आर्मी रैंक के लिए 20,706 कट ऑफ गई थी इसकी, जो 502 मार्क्स बनते हैं। इसके बाद में बात करें हम 2017 की, तो 2017 में कट ऑफ थोड़ी हाई थी इसलिए 519 मार्क्स का सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि हम आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में एडमिशन कैसे लें और इसके बारे में सीट मैट्रिक्स व अदर इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।